जय जिनेंद्र, आज हम बनाएंगे क्रीमी स्क्वायर्स। उसके लिए ये हाफ कप कॉर्नफ्लोर लेंगे। अब हम डालेंगे हाफ कप शुगर। फ्लेम ऑफ ही अभी ऑन नहीं किया हमने, मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कप दूध। मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। मिक्स हो गया है, अब फ्लेम ऑन करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रहे। अब देखिए धीरे धीरे से वो थिक होने लगा है, कंटिन्यूसली हमें चलाना है। देखिए थिक हो गया, थोड़ी देर के लिए और चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। मिक्स करेंगे, अच्छे से थिक हो गया। अब इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, अगर अपना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब स्क्वायर टिन लेंगे, कोई भी बॉक्स या टिन आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं आप। निकाल देंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला के इसको ठंडा होने के बाद 1 से 1.5 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर बटर पेपर है तो आप नीचे बटर पेपर भी रख सकते हैं, नहीं तो बॉक्स को ग्रीस करके डालना है। अभी अच्छे से सेट हो गया है, 1 घंटे हो गया। अच्छे से सेट होने के बाद अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे। देखिए इतना अच्छा अनमोल्ड हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे, आप छोटा मोटा आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट बना है। अब लेंगे मैदा रिफाइंड फ्लोर 2 टेबलस्पून। बैटर बनाएंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है। 1 टेबलस्पून शक्कर मिक्स करेंगे। अब हम इस बैटर में ये स्क्वायर्स डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड को पीस के उसका ब्रेड क्रम्स बनाया हुआ है, और इसे चारों तरफ से कोट कर देंगे। ऐसे सारे बना देंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करने से अच्छी सी क्रिस्पीनेस आएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम क्रीमी स्क्वायर्स को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए फ्रिज में रख दिया है, 15 मिनट हो गए। अब इसको फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें एक ही करके डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अच्छा कलर आया है। अब हम इस तरफ भी ऐसे हल्का सा सुनहरा हो तब तक इसको फ्राई करेंगे। अब दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसको निकाल देंगे। ये लीजिए तैयार है क्रीमी स्क्वायर्स। अब देखिए इकट करके बताते हैं, इतना सॉफ्ट बना है। देख सकते हैं इतना क्रीमीनेस लग रहा है, बहुत ही यम्मी है। ट्राई जरूर कीजिएगा।